यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सीताराम सीताराम जय वीर लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्री हरिनाम संकीर्तनम की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनित्वं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखनित्वांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत श्रीराधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ताजे मने बहुत एक सुंदर प्रसंग श्रवण करिवा तबे हमने देखिवा जे जेमती वर्तमान खरा दिन आसलेनी तमन को एसी रूम गोटे निहाती आवश्यक बेसिक नेसेसिटी। समस्ते चाहती जे केमती शीतलता पाइबा बाहर को गला मने हमें गोटे छत्ता दरकार कर जे एटलिस्ट हम निजु को प्रोटेक्ट करि परिवा। तो हम देखिवा जे जेते बेले भी मनुष्य जीवन रे कौन हुए किछि असुविधा आसे से कौन करे ना प्रथमे से निजकु से असुविधारु केमती मुक्त हे से निजे प्रचेषा करे एवं इतले प्रचेषाटा तार निज द्वारा संभव न हुए से कौन करे ना ईश्वर को प्रार्थना करे। जेमते मैंने करोना समय देखिवा जे करोना समय रे समस्ते कौन कले आध्यात्मिक आड़क मन बढ़ला से समय बहुत सेमिनार हाँ लगला बहुत क्लास है स्वाभाविक भाव में यहाँ जीवर स्वाभाविक वृत्ति ना जितेबले तार जीवन में किसी असुविधा आसे से कौन करे ना भगवान को पाखे शरणापन्न हुए। तबे आज आम मैंने जैमिनी महाभारत एक बहुत सुंदर प्रसंग शुणा जे भगवान तांकर भक्त मानू के भल पाते। तबे भगवान भक्त मानू मुख्यतः पांच प्रकार सुरक्षा प्रदान करते बहुत ध्यान सहित शुणे पांचटी जाक पॉइंट आज चरित्र सहित बहुत सामंजस्य रखिबो। प्रथमे होची जे भगवान कौन करती जीव को अज्ञान रो मुक्त करते जोटा भगवान करो विशेष कृपा। जो मैंने आपण मैंने बस प्रायतः आम मंदिर समस्त भक्त मैंने अच्छा तेणु मैंने देखिया
गोटे जिनस निजे विचार कले देखिपारे जतेपर्त जड़े आध्यात्म मार्ग को ग्रहण न करची सेतेपर्त से जिते उच्च शिक्षा लाभ कलापर भी से जापर मनुष्य शरीरटा कौन पर मिली तेणु भगवान कृष्ण के सबुठ बड़ गोटे कृपा हूँ कौन ना भगवान जीव को अज्ञानतर मुक्त कर दिंत। द्वितीय सुरक्षा हूँ भगवान जीव को साधक कौन करते व्यसन रु रक्षा करते जो आम विभिन्न प्रकार खराब अभ्यास हो जाए आध्यात्मिक मार्ग को आसने मैंने कौन हुए आम आम खराब अभ्यास रु धीरे धीरे मुक्त हो जाऊ। तृतीय हूँ त्रुटि रक्षण। त्रुटि रक्षण कौन ना आम जीवन में समस्त जीवन किसी ना कि मिस्टेक्स रही भूल रही भगवान शरणापन्न है मैंने कौन हुए आम आम भूल को कौन करूँ शोधन करूँ। चतुर्थ सुरक्षा हूँ अनर्थ रक्षण। आम जीवन में आम अनेक समय देखू जे जिते बड़े आध्यात्मिक पथरे न था कार गाइडेंस न था अनेक समय भूल पथरे पथिक हो जाऊ तेणु भगवान भक्ति पथरे आसला मैंने कौन हुए व्यक्ति से ही सब विपदर मुक्त हो जाए। एवं पंचम सुरक्षा हूँ शत्रु रक्षण। भगवान शत्रु मान कबल आम को कौन करती रक्षा करती तेबे भगवान गोटे बहुत सुंदर ना अच्छे भगवान राम जी से नाटी हूँ मु बहुत समय जमी आपन को मुझे रामनवमी समय भगवान गोटे सुंदर ना हूँ दृष्टि चित्त चोर सेमती राम जी आउ गोटे सुंदर ना हूँ प्रपंचाजलि किंकर। हाँ भगवान कौन करती जमती आम देखा जिते आम मंदिर को जाऊ प्राय समस्ते किए आध्यात्मिक मार्ग को जानतु बा नजाणतु सनातन धर्म प्रत्येक लोक जेकोसी मंदिर को जातु समस्ते कौन करती अंजलिबद्ध करके भगवान को प्रणाम करते तो भगवान जितेबले कौन सी जीव जागे हाथ जोड़ी जाए भगवान राम जी विशेषकर प्रसिद्ध ना हूँ प्रपंचाजलि किंकर जी आगे हाथ जोड़देला तो किंकर शब्दर अर्थ हूँ किम करोती इति किंकर। हाँ भगवान पचारे मु तुम्हें कौन करी देखु आध्यात्मिक जीवन रिवली सुगमता रही किंतु जेहेतु आम भगवान विषय आम श्रवण करूने से लगे भगवान हृदय को भगवान को आम बुझी पारुन तेणु भगवान सब बेले भक्त को साहय करने प्रस्तुत था भगवान सब चाहते से भक्त कौन करमती जड़े भक्त से सब चाहे प्रत्येक दिन भक्तर चिंता से भगवान पर कौन कर भगवान भी सेमती कौन करती रेसीप्रोकेट करती भक्त कौन साहय करी तेरे मुझे महाभारतर जैमिनी महाभारत को नहीं जाऊँगी जो प्रसंग यही जे महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करने अभिलाष एवं यज्ञपाई कौन कराई घोड़ा को छाड़ दिखाई आपण मैंने अश्वमेध यज्ञ नियम समस्ते प्राय जाणी अश्वमेध यज्ञ जी करेंगे सी कौन करेंगे एक जागी घोड़ा को चयन कराए एवं से घोड़ा को घोड़ार बेकर गोटे कौन कराए गोटे आह्वान लिखाई थाए जे जी कौन कर से घोड़ा को बांधिदेव सी कौन कर ना घोड़ा पछे जो आसते सहित युद्ध करने को पड़ो नचे जड़े स्वेच्छाकृत भाव बंधुता व साहचर्य हाथ बढ़े पार तेणु थे कौन है ना ये घटनाटी घटी घटनास्थल अर्जुन जड़े कौन कर घोड़ाटी को बांधि बांधवा अर्थ कौन से युद्ध को घोषणा करदे तेणु अर्जुन बर्तमान जिते जाते युद्ध तो हम स्थिरकृत हो गला कारण से घोड़ा बांधि अर्जुन चिंता करे बर्तमान मुझ कौन करी आई परिस्थित भगवान कृष्ण तक निकटने अच्छा भगवान अच्छा अर्जुन बर्तमान कौन कर किभली भाव में सहित युद्ध कर मन को किसी विचार आसुन तेणु हठात से ही स्थान कौन है ना नारद मुनि प्राकट्य हो एवं नारद मुनि अर्जुन को कहते जे अर्जुन तुम्हें युद्ध करने पूर्व मुझे गोटे गल्प कह चाह तुम्हें कौन बर्तमान गल्प शुण कि कारण बर्तमान कौन समय युद्धर समय युद्ध समय गप किए शुण युद्ध समय गप किए शुण किए शुणा की इच्छा करेन कारण बर्तमान तो प्राक्टिकाल किसी कला मानते सीना पचर शुणा पड़ो कथा जहाँ शुण बर्तमान तो युद्ध करने पड़ो कि अर्जुन कहले
जे नाई महर्षि मु कौन करी गल्प शुणा को चाहिए कहीं ना पूर्व एक्सपीरियंस अच्छी ना गीता शुणला केमती युद्धटा हो तेणु अर्जुन कौन जे मु कौन करी ना मु गल्प शुणी और नारद मुनि कौन कर वर्तमान से कहानी को प्रस्तुत करुँच आज विषय तेणु नारद मुनि कहते ये गल्प आज क्लासटा पूरा गोटे कथा गल्प ये गल्पटार मुख्य विषय कौन ना ये आम जीवन में आशार बहुत बड़ संचार कर आध्यात्मिक जीवन में सबुठ माने सौभाग्यर ये हूँ मनरे कौन हुए भक्तर मनरे कौन हुए एक भक्तिर आशा सृष्टि हुए आई आशा रूपक लता कौन हम श्रवण कीर्तन द्वारा पुष्ट हुए आईटा गुरु माध्यम कौन हुए भगवान गोविंद चरण कमल जाहच जितेबले आशा लता भगवान चरण में पहुँच जाए साधक कौन हुए ये संसार बंधन रु मुक्त होगवधाम प्रवेश कर जाए तेब आज चरित्र बड़ गुरुत्वपूर्ण कारण ये आशा लता ये कौन कर बहुत बड़ आशार संचार कर साधारणत आम जीवन में बहुत समय नैराश्य आसी जाए हाँ कि नहीं आध्यात्मिक जीवन में सबुदिन तो से कम करे बेले बेले विश्वास हुए नहीं प्रकृत में कौन आध्यात्मिक जीवन कार्य करें कि अच्छी ना यहाँ गोटे कपोल कल्पित कथा समस्ते एमती भासी चलते तेणु वैदिक शास्त्र समूह बारंबार निर्देश दिए आम कौन करा दरकार प्रत्येक दिन भगवान विषय श्रवण कीर्तन करा दरकार ताहले कौन हम ये आशा लताटा पुष्ट होबे ये चरित्र गोटे छोट पिलार चरित्र जार जीवनटा भगवान कृष्ण निर्भर ईश्वर निर्भर गोटे छोट पिलार कहानी आज मैंने शुणा तेब जड़े राजा थिले तांकर ना हूँ सुधार्मिक एवं तांकर एक पुत्र संतान जन्म हला एवं मूल नक्षत्र रे से पिलाटी जन्म हला एवं ए नक्षत्र जोगरे जो माने जन्म होंती से माने बहुत सौभाग्यशाली होंती किंतु ए पुत्र जन्म मात्रे ही सुधार्मिकर कौन हला से समय राज्य को शत्रु माने आक्रमण कले जो मुहूर्त यार जन्म होती तार पिता कौन कले शत्रु मानक द्वारा तंकर मृत्यु हो गला एवं ये संवादटा जो राणी प्राप्त हले देख से समय समय केमला राणी संवाद प्राप्त हला मात्रे ही तांकर मृत्यु हो गला पिलाटी जन्म मात्रे ही पितामाता मृत्यु हो गला किंतु से नक्षत्र कहूँ जे पिलाटी कौन हम ना बड़ सौभाग्यशाली माने तार ये हम तेणु जोबले शत्रु मैंने राज्य को संपूर्ण भाव में कौन कले ना निज कब्जा नहीं गले ये शिशुटी को जड़े धाई नर्स से कौन कले पिलाटी को लेकिन अन्य एक राज्य को से पलैले एवं से राज्य जो राज्य नहीं कि से धाई जनक गले शिशुटी को से राज्यर ना थिला कुंतलपुर एवं सेठी नहीं कि शिशुटी को ये धाई जनक बड़ सावधान सहकारे ताको पालन करिया को लागिले किन देखंतु भगवान कर व्यवस्थाटा के भगवान जहाँ को बड़ करिया को चाहूबे तार जीवनटा केमती आम शुणा तेणु जितेबले से पिलाटी को मात्र तीन वर्ष से कौन ना से धाईर भी मृत्यु हो गला तार जीवन कई ना पितामाता तो ना जड़े ही कौन करते पालन पोषण करते भी आज कौन है मृत्यु तीन वर्षर पिला से कौन जाणी संसार भितर किसी जना ना आपको बहुत जोर भोक कला जो गाँ लोक मैं तो संस्कार करदे से धाई को ये पिलाटी को बहुत जोर से भोक हो तो किसी जाणी क्या कौन कह कग कि भी जाणी तेणु से पिलाटी हटात देखला जे सारा गाँवर लोक मैंने कौन कर स्नेह कर तेणु सी समस्त ग्रामवासी मानू कौन कला ना निजर बोली भाविला जमी से धाई पाखे थी तेणु दिनकर घटना से ग्राम रे से जो कुंतलपुर राज्य रे जी प्रधानमंत्री थे तांकर ना जो दृष्टबुद्धि से दृष्टबुद्धि दिने कौन करते ब्राह्मण भोजन व्यवस्था करते तेणु ब्राह्मण भोजन एमती ना जेके ब्राह्मण पलि आस तेणु ब्राह्मण मानकर विभिन्न कौन थाए समाज थाए तो सी जन को डाकि तेणु जो ब्राह्मण भोजन है ये
जो छोट शिशुटी ये कौन कले ना से ये तो बहुत भोकिला थिले खाई खाई नथिले अनेक दिन क्षुधार्त थिले तेणु ये आसिक से ब्राह्मण भोजन रे बसी पड़ले किंतु मन रखते ब्राह्मण मान ना सामान्य ब्राह्मण माने कौन करे तांकर भोजन शैलीटा पूरा अलग गोटे साधारण व्यक्ति आ गोटे साधु बा ब्राह्मण भोजन करिवो एमानक भोजन भितर बहुत तफात अच्छे जितने कि आज भी भारतवर्षर अनेक स्थान रे ब्राह्मण मान कौन करा जाए अन्य जगह भोजन दिया जाए कहीं ब्राह्मण माने कौन करिए भोजन करिया पूर्व तांकर प्रथम लक्षण कौन हम ना से वेद मंत्र को उच्चारण कर आने कौन करेंगे विष्णु नैवेद्य प्राप्त है तांको दिया जाए तेणु ये तो किसी भी जाणी ना कुमारसी बसी पड़ छोट पाट तेणु भोजन करने समय जितने से पाइले तृप्त हो गले शिशुटी पूरा बहुत दिन है भोजन कर तृप्त होले ब्राह्मण मान कृतज्ञता ज्ञापन कले यहाँ हूँ भद्रलोकर कर्तव्य जी प्रकृत में भद्र व्यक्तिर प्रथम लक्षण है से जहाँ किसी उपकार पाइब तार कौन कर कृतज्ञता ज्ञापन कर एवं शास्त्र लिखाई जे कृतज्ञ व्यक्ति ए त्रिभुवन में कौन सी वस्तु ना जहाँ से प्राप्त न हो पार तेणु से दृष्टबुद्धि भी देखुं तेणु सी भावुं ये ब्राह्मण जो डका गोष्ठी ये गोष्ठी भितर कई जन सदस्य होते कि ब्राह्मण मान भर जी जी हेड थे मुख्य थे सी जापारे ये पाटी आम ग्रुप्र नुहे तेणु से परिचय पचारे से कहले जे तुम्हें तुम्हारा परिचय दिए तुम्हारा पिता किए तुम्हार माँ किए तेणु ये तो जीवन पिता माता को केवे भी देखिना तेणु से जानी से जड़े ब्राह्मण सी कौन कले ना शिशुटी को देखिले एवं सीए दृष्टबुद्धि को डाक कहले दृष्टबुद्धि ये कुमार आसी जो शिशुटी आसी कौन से साधारण शिशु नुहे यार शरीर रे जहाँ कहते समस्त शुभ लक्षण मान कौन हो प्रतीयमान हो ये भविष्य रे कौन हम ना तुमको सुरक्षा दब तुमर धन तुमर संपत्ति तुमर ये मालिक हम तेणु जो कथाटी ब्राह्मण कहीदेले दृष्टबुद्धि कौन कले ना ब्राह्मण मान जीवापर से बहुत विचार कर शेष निष्पत्ति कौन पहुँचले ना ये पिला हूँ मोर जीवन सबुठ बड़ ये हूँ विपद तेणु सी कौन कले ना चारिज डकायत को डाक आंकड़े प्रचुर अर्थ देले एवं कहले जे तुम्हें पिलाटी को लेकिन कौन कर मारिदि किंतु मार कि मार सारापर पिलार जेकोसी गोटे अंग आणिक मत प्रमाण स्वरूप देख तेणु स्वाभाविक भाव में चारिज डकायत कौन कले ना से बाकटी को नहींगले जंगल भितर को मारियापाई से प्रस्तुत हो गले किंतु से दिन गोटे घटना घटी जो शिशुटी खाद्य प्राप्ति हवा पूर्व से कौन करूला ना पाक निज समयस्क पा सहित से खेलुला खेल समय पाटर दृष्टि कौन है गोटे पथर उपर गला साधारण भाव में रास्ता पर अनेक पथर पड़ था किंतु से पथरटी बड़ उज्जवल थिला आ पाटी कौन कला ना ता प्रति आकर्षित से पथरटी को कला पथरटी थिला ताको से कौन कला ना आणिक हाथ में देख ला से पथर प्रति तार मन माने आकृष्ट हो गला आ पथर कौन सी साधारण पथर ना से पथर थिला कौन ना शालिग्राम शिला थिला कौन से एक जनैक साधु से रास्तार जीवा समय कौन है ठाकुर बटुआ भितर ये शालिग्राम शिला खसी पड़ते आकु बाक प्राप्त होतु जितेबले य चोर मैंने कौन कले ना से शिशुटी को नहीं जाइ जंगल भितर मारक आरंभ कले से ये कौन कर शिशुटी कौन कर शालिग्राम शिला को हाथ में धरती कि तार जो धाईमा थे यन वर्ष भितर तार धाईमा गोटे बहुत सुंदर शिक्षा देते जहाँकि प्रत्येक पितामाता जीवन काल भितर 13 वर्ष पूर्व निजर संतान को शिखे देवा दरकार जदि आम तर मंगल चाहू हाँ धाईमा कौन कही ना बहुत सुंदर शिक्षा जहाँ प्रत्येक सनातन धर्म व्यक्तित्व मान जीवन प्रारंभ रु ही निजर सद्गृहस्थ मान निजर पा शिखे देवा दरकार कौन शिखे ना स्वार्थ गति ही विष्णु
से कहते विष्णु व नारायण हूँ समस्त सुरक्षाकर्ता तेणु से किसी मंत्र से पिला को अभ्यास कर तीन वर्ष बयस आते देख बाबा मु तो पाखे रही कि नरे भी ठीक ना आउ तो जीवन रे तू जदि केबे भी विपद स्थित रे पड़ू तू कौन करू ना आकुल मंत्र गुड़ी को आवृत्ति कर तेणु चोर मैंने स्वाभाविक भाव में नहीं गले मार प्रस्तुति आरंभ होला तेणु जो मारिया को आरंभ कले से पिलाटी बुझीपारा मोर समस्त व्यक्ति आम जीवन में आम सम सब बड़ हूँ मृत्युर भय हाँ जदि आप कहीदे बर्तमान आप कैंसर हो गल अल्प दिन भितर मरवे आपड़ आ स्थिर होपरेंगे से केत बड़ व्यक्तित्व हो के पाठ पढ़ी था के बड़ उच्चकूल जन्म हो मृत्युर भय हूँ सब बड़ भय आ व्यक्ति प्रथम निजे ही पजेसीव हो जाए से निजुक निजे केमी सुरक्षा दब से प्रथम निजे सतर्क हो जाए तेणु से पिलाटी कौन कला ना से जो शिलाटी को धरला अति जोर जबुड़ी धरला आ धाई माँ को शिखि मंत्र गुड़ी कौन कला ना बारंबार आकुल आवृत्ति करने को लगला मंत्र गुड़ी तेणु जो चोर को निजुक्ति करा जाइतला से शिशुटी को मारिया से पूरा खंडा धरिकी आसुची मारिया बेक काटिया हठात कौन हला ना से चोर दृष्टिटा ये शिशु कुमार मुख उपरे पड़गला एवं तार हृदय कौन हला ना बदली गला एवं से मारिबो कौन से शिशु पाख को आसी कहुची जे आम जीवन रे आम जीवन टा तो पूरा पापमय आम अनेक लोक बद्ध करेक पाप कम कर किंतु मोर हृदय कहुची जदि यही पिलाटी को आम मारवा तेल आमर पापर भंडार भरीज आज जदि यही पिलाटी को आज आम रक्षा कर दिखती हुए तो ईश्वर आमको कौन करे आम जहाँ पाप करचे तार दंड में आमको किसी लाघव करदे से परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी गुरु महाराज कहते प्रार्थनार बड़ शक्ति अच्छी से देख आध्यात्मिक जीवन में जदि केत विपद आसे सबुबले वैष्णव समाज को नवेदन कराए जे आपण माने भगवान को प्रार्थना करंतु प्रार्थना असंभव को संभव कर दे पार तेणु अन्य जो चारि जन थिले दस्यु डकायत थिले से कहले देखंतु दृष्ट बुद्धि कौन करची प्रचुर पैसा देसे पिला को मारिकी तार जेकोसी गोटे शरीर अंग नहीं कि प्रमाण स्वरूप देखा पड़ो तेब आम कौन करवा तेणु से जो मुख्य डकायत था सी पिलाटी को देखिला साधारण भाव में कौन सी चोर मैंने कौन करती मारिया पर देखते हाँ तेणु सी देखला बेलू कौन है ना ये शिशुर गोटे पादरे छोटी आंगुली अच्छे तेणु से मैंने कौन कले ना तार गोटे आंगुली को काटिकी नहीं कि दृष्ट बुद्धि को देखेदे आ छाड़ी से पल आपतु तीन वर्षर बाड़क गोटे आंगुली तार काटिदेला जंगल भितर एकुटिया तेणु सी पूरा मानने जे भाई करुण क्रंदन करने को लगला पिला शिशु जंगल भितर कहीं ना आ तार कौन हो पादर धार धार हो रक्त बहिया को लगुच तेणु दृश्य को देखिकी गोटे हरिण कौन कला ना ता हृदय मानने मादा हरिण नारी हरिण हृदय दया भाव आसला तेणु सी आसी कौन कला ना लेहन करने को लगला आ पशु मैंने जमीन स्नेहर अभिव्यक्ति करती तादेह आसी घसिया को लगला लगला तेणु आ पाटी कौन शिशु अवस्था क्रंदन करुच्ची गोटे आंगुठी काटि दिखाई तार ये दृश्य को देख पक्षी मैंने कौन कले ना खुशी करने कलरव करने को लगे आरिण कौन कला ना तार रक्त को चाटिकी परिष्कार करदे पाखे बसला यही समय दैव जुगे कौन हो दृष्टबुद्धि को डकायत मैंने जा देखे दृष्टबुद्धि निश्चिंत हो गला मोर शत्रु चिरदिन पलैला मु वर्तमान सुरक्षित अच्छे तेणु यही समय रे से जंगल भितर जत बाड़कटी एकुटिया पशुपक्षी मान भितर हरिण पाखे अच्छी कलिंग राजा कौन कले ना से कुलिंग राजा से समय शिकार करने को आसते दृष्टि ये दृश्यटी देखिक से आश्चर्य हो गल गोटे शिशु को गोटे हरिण कौन कर जगिकी अच्छी पक्षी मैंने कलरव कर तेणु ये दृश्य को देखिक से गले एवं से देखले तार ये भाव में गोड़ कटि जा तेणु से पचारुंट हे बाड़क तुम्हें कहार पुत्र तुम पिता किए तुम माता किए तेणु ये पिलाटी कहूँ जे ईश्वर होती
मोर पिता और ईश्वर होचंती मोर माता। आ तहार उत्तर सुनी कि से राजा कौन हेले अभिवृद्धि तीन वर्षर पिला तार गोड़ कटि जाइछि से कहुछि ईश्वर होचंती मोर पिता और ईश्वर होचंती मोर माता। तेणु सी कौन कले ना से बुझीगले जे बोध हुए पिलाटी अनाथ होइथिबो। तेणु से ताकु कौन कले ना निज सहित नहीं आसिले एवं तांकर एक कोलिंग राजा राज्यर राजधानी थिला चंद्रावती। तेणु से कौन कले ना ए पिलाटी को आणिकी तांकर राणी को प्रदान कले। आ सौभाग्यवशत ए राजांकर कौनसी संतान नथिले। तेणु राणी को पाई यह थिला जीवन सबुठ बड़ आनंदर संवाद। तेणु राज्य एक बहुत बड़ कौन हला ना उत्सव आरंभ हला जो दिन से माने कुमार को पाइले। तेणु जेहेतु राजा थिले तेणु बहुत बड़ बड़ आस्ट्रोलोजर माने ज्योतिष माने आसिले ए उत्सव रे जोग देवा पई एवं ज्योतिष माने भविष्यवाणी कले जे एई कुमार कौन से साधारण कुमार नुहे ये संसार रो सबुठ तेजस्वी पुरुष हेबे विद्यावान हेबे धनवान हेबे एवं तुमर जश कीर्ति को त्रिभुवन रे कौन करिवे ये प्रचार प्रसार कर दे। तेणु जेते बेले ए तांकर से स्वाध्याय करिया को आरंभ कले ए पिलार गुटी जेहेतु माने तांकर सौंदर्य इत्ते थिला एवं चंद्रावती राज्य रे से आसिके रहिले एवं तांकर मुख से जेते हसी दउथिले समस्तक मनर कौन होतला दुख दूर होता। साधारण भाव छोट पिलांकर हस बहुत सुंदर तांक भितर विकार न थाए ता माने अति कठोर हृदय व्यक्तित्व को भी कौन करे हृदय दया भावना नहीं आसे। किंतु यही जो कुमार यांकर हस कौन करतला जेते बेले यांको हसिबा के देखि दिए मन ग्लानी दूर हो जाए। देखो आज रास पूर्णिमा पूर्णिमा चंद्र आम सामने अच्छा सा मनु सहित लेखाई पूर्णिमार चंद्र को किए जदि किए दर्शन करे जार मनरे बहुत दुख अच्छे मोर जीवन अनेक जिनस मुझे से पूर्णिमार चंद्र को दर्शन करा दरकार। पूर्णिमार चंद्र बड़ जहाँ कहते महात्मा पूर्ण आई कुमार ये शिशु बाड़कर हसरे से शक्ति मनग्लानी दूर हो जाता ये बाड़कर हस देख तेणु तार ना दिहला कौन चंद्रहास भगवान कृष्णंकर जन अनन्य प्रेमी भक्त। तेणु ये पिलार गोटे पिलादिन गोटे लक्षण कौन थी प्रथम जो विद्या आरंभ हो आम कौन करूँ अक्षर शिखु कि नहीं किंतु ये पिला केवल दुईटी अक्षर कहे कौन हरि आई अक्षर को से शिखिला जो अक्षर को कौन कर बदल के हरि बा भगवान ना मानने प्रकट हो अक्षर गुड़ी से कौन कला ना कह आरंभ कला एवं जहाँ पढ़े से प्रतिपादन करे भगवान विष्णु व नारायण होचुनी अंतिम सिद्धांत। तेणु जहाँ किसी भी ताको स्कूल ले जदि कौन शिक्षक पचारती तार निष्कर्ष से कौन काढ़ हरि ही होचुनी माने ध्येय वस्तु। तेणु बहुत कम समय भितर जेहेतु राजकुमार थिला जानते ना जो मैंने राजांकर राजपुत्र जो मैंने से मानक आपण जेकोसी परिस्थित छाड़ दिं से लगे आमर गोटे मानने डक्टर मैंने जेनेटिक जो जिनस गुड़ाक कही खंडन करें राजकुमार जी ना तार शारीरिक लक्षण गुड़िक कौन हम परिप्रकाश हम ही हम तेणु ये युद्ध विद्यार कौन है अति कम समय बहुत पारंगत हो गले एवं सी कौन कले ना जिते बड़े विद्या सरीगला से निजर गोटे पितांकर अनुमति नहीं कि से कौन कले राज्य जय करने दिग्विजय करने को आरंभ कले एवं बहुत कम समय भितर अनेक गुड़ी राज्य उपरे से विजय हासिल करी बहु धन संपत्ति प्राप्त करी से राज्य को फेरिले एवं फेरिला परे कौन कले शुणत बड़ा सावधान सहित आज चरित्र शुणी बहुत जिनस शिक्षा करार अच्छे से कौन कले ना तांकर पितांकर पादुका को गोटे रथ उपरे बसेले एवं निजे तले उपवेशन करी राज्य भितर प्रवेश कले। आ तांकर पितामाता जिते दृश्य को देखिले तांकर हृदय गदगद हो गल बुझिपार मानने चंद्रहास कौन सूचना दौंती मनुष्य जीवन रे आम जीवन में जहाँ किसी भी सफलता पाऊ यटा कौन पर आमको मिले यहाँ आम प्रति गुरुजन मानकर आशीर्वाद
जी एटा बुझी जाए से व्यक्तिर जीवन में कौन हुए सफलता आउ आनंद चिरदिन स्थायी होकर रुहे। तेणु ये राज्य थिला कलिंग राज्य ये बहुत गोटे छोटिया राज्य बहुत छोटिया राज्य थिला जंगल भितर बहुत गोटे छोटिया राज्य एवं इमाने जेहेतु गोटे छोट राज्य थिला इमाने कौन करते बहुत करज कर दार करते अन्य राज्य मानक करज करते तेणु ये चंद्रहास पिता कहले जे आम प्रथम कौन करवा लोन गुड़िक सुझीदे धार जो करज आम सुझीदे तेणु से कौन कले ना करज सुझाक लगे आँ कले ना समाज में अर्थनैतिक अभिवृद्धि करने को लगे कू खोल हस्पिटाल व्यवस्था सब ये भाव उन्नतिमूलक कार्य करने को लगे तेणु ये लोन भितर से कौन करते ना पड़ोसी राज्यर मंत्री ठार् से कौन करते लोन आनी बहुत मानने स्वर्ण आदि लोन कर तेणु राजा कहवा अनुसार कौन कराला ना जो करज आसला फेरे दिया दिहला तेणु से व्यक्ति जनक किए दृष्टबुद्धि दृष्टबुद्धि जिते बड़े शुणिले जे कलिंग राज्य राजा वर्तमान कौन कर लोन परिशोध करज परिशोध कर सी कहे मुझे तो आशा करी मो करज फेरी पारि से टा पाइले कौट कौन है तेणु से गुप्तचर लगे पठेल तेणु से जानिया को पाइले जे ये कलिंग राज्य राजा गोटे पुत्र है आ पुत्र ही संपत्तिर कौन करवस्था कर दृष्टबुद्धि बड़ ना जमी कार्य भी से बड़ दुष्ट स्वभाव व्यक्तित्व थी तेणु सी ता पर कौन कले ये कलिंग राज को देखा आसिले सी आसला बेलू सी जानते कौन कलिंग राज्य आम पूर्व चर्चा कल गोटे जंगल भितर छोटिया राज्य थिला वर्तमान कौन है कलिंग राज्यर परिसीमा बहुत विस्तृत कारण ये दिग्विजय करके आ बहु अर्थनैतिक उन्नति हो जा तेणु से राजा को पचारे आपे समृद्धि केमती प्राप्त कले तेणु कलिंग राज्यर राजा कौन कले ना चंद्रहास को भेटेदे जी ये मोर पुत्र आ मो पुत्र ही आज मुझे सौभाग्य प्राप्त है दृष्टबुद्धि प्रश्न कले तुम्हें तो बहुत दिन पर्यटन तुम संतान ना तुम्हें पुत्र कौट प्राप्त कल तेणु राजा कौन कले सरल हृदय लोक थे से प्रकृत कथा कहीदे मुझे जंगल भितर ये कुमार को प्राप्त हैली आ दृष्टबुद्धि को बेसी समय लगलानी दृष्टबुद्धि बुझीगले मो जो पिला को छाड़ी आसती जंगल भितर ये चोर डकायता को मारी ना ये ही से पिला से पिला को तो देखिए चाणीदे वर्तमान कौन ला ना जो भयटा मनरु पलै वर्तमान से भयटा पुनः आसल जे यही पिला ही मो धन को कारण भविष्यवाणी हो ये पिला भी कुमार भी सेमती देखा तेणु सी कौन कले बड़ चतुरतार सहित गोटे बुद्धि पांचे कौन बुद्धि पांचे ना सी कलिंग राजार राजा कहले जे आज्ञा मु आपण पाखे किसी समय रहा इच्छा प्रकाश कर स्वाभाविक भाव में आग्रत साहय कर कलिंग राज्यर राजा कौन कले अनुमति देदे तेणु मोर कहार उद्देश्य बुझिपड़ना मु प्रथम आपदी चरित्र उद्देश्य कौन आशार एक संचार हम भक्तर मन में भगवान केमी गोटे जीव को सुरक्षा दिये देखो जीवन केमी चंद्रहास जीवन में केमी परिस्थिति देगले जन्म हो पितामाता पड़े धाई पड़े बर्तमान केमी षड़ भितर से जाऊँ जीवन देख तेब ये दृष्टबुद्धि से कौन कले किछि दिन भितर गोटे बहुत भयंकर उपाय चिंता कले सी कौन कले ना से गोटे चिठी लिखिले पुत्र पाख एवं से चिठी लेखाई प्रथम धाड़ी रे जे जी चिठीटी नहींक जा तार सौंदर्य तार बुद्धि तार युद्ध कौशलता कौन सी विचार नक संगे संगे विष दे दि तेणु आकु कौन कले सिल करदे सांगे सांगे राजा को डाकिले कहले मोर जड़े विश्वस्त लोक दरकार जी बर्तन मो राज्य को जो मो राज्य गोटे भयंकर समस्या है आज विश्वस्त लोक दरकार जे नहीं कि मोर गोटे संवाद को लेकिन मो राज्य पहुँच तेणु राजा कहले विश्वस्त लोक आए मोर पुत्र ही कारण आउ कहीं ये योग्य लोक नुहे जाइपर तेणु ये चंद्रहास गले कौन
ना दृष्ट बुद्धिंकर से जो लेखा को नहीं कि जोटा सील होता किंतु दृष्ट बुद्धि कौन कले ना गोटे सर्त रखे जे देख चंद्रहास तुम यहाँ नहीं कि जीव किंतु मन रखि था मोर पुत्र पाखरे ए जो वस्तुटी पहुँचा पूर्व जो सिल होती सिलटा जमी न खोल तेणु चंद्रहास कथार राजी होगले एवं नहीं कि जिते बड़े गले से कौन है ना पथर जाऊ जाऊ गोटे जगह से क्लांत हो पड़े एक वृक्ष निकट से कौन कले शोपड़े पाखे गोटे ह्रद रही सेठी थंडा सुशीतल पवन बहुत टिके पानी पीले एवं सेठ से सोई पड़ले से विश्राम नहीं ह्रद रे कौन कले अनेक कन्या माने आसले स्नान करिया पाई एवं सेठी से कौन होता ना से राज्यर जी माने राजांकर कन्या जहांकर ना होचे चंपक कमलिन ई कन्या सी आसीथिले स्नान करिया पाई एवं तांकर अनेक बांधवी माने सखी माने तांक सहित आसीथिले स्नान करिया आ से चंपक कमलिनी सहित ये दृष्ट बुद्धि कन्या भी आसते से स्नान करने जहाँ ना हूँ कौन विषया तेणु ये विषया जिते बड़े कौन कले ना चंद्रहास को देखिले चंद्रहास सौंदर्य मन कौन है ना आकर्षित हो गल चंद्रहास को से हृदय दे बस एवं सी कौन कले ना चंद्रहास पाखक आसिक देखिले सी कि गोटे जिनस धरीचन तेणु सी शोथ्वा अवस्था रे ये कौन कले से वस्तुटी को खोलिक देखिले जेथे लेखाई कौन ना जो व्यक्ति यांकर सौंदर्य यांकर युद्ध कौशल यांकर बाग्मिता को ऊपर प्रभावित नही या विष दे दिए तेणु विषय या देखिक जापारे यहाँ क्या अक्षर मो बापा अक्षर तेणु सी कौन कले तत्णात से चंद्रहास प्रति चंद्रहास साधुर माने स्वरूपटा भी एमती थाए जहाँ को देखिए हृदय कौन हो तार भावनाटा परिवर्तन कर दो से विषय कौन कले से गोटे अक्षर से जोड़ीदे लेखाई कौन देदेव विष देदेव से गोटे य जोड़ीदे विषय को देदे देखि कौन कले पुणी सिल करदे से चंद्रहास जो उठिले से तो क्लां क्लांति दूर हो गला एवं सी कौन कले ना जैक पहुँचीगले पुत्र ना थिला मदन दृष्ट बुद्धि कन्यार ना हूँ विषया आ पुत्र ना हूँ मदन तेणु मदन पाखे जो चंद्रहास जैक पहुँचिले और चंद्रहास से वस्तुटी को देले आ मदन जो खोलिक देखले पिता ही अक्षर आते लेखाई कौन ना यांकर व्यक्तित्व भितर प्रभावित न होकर विषया को दे दि मदन चिंता कले बापा कौन एमती दरकार पड़ा सांगे सांगे बाहर तेणु बड़ धूमधाम रे कौन हला ना विषया को धरिक से कौन कले राज्य रे प्रवेश कले दृष्ट बुद्धि देखिक पगला है से कि मैन मनीष कौन करे प्लान करे भगवान कौन कर प्लान सांक्शन कर तेणु ये कौन कर बधू को धरिकी राज्य को फेरुचन जिते बड़े फेरुचन दृष्ट बुद्धि वर्तमान कौन है ना से ब्राह्मण कथा मन पड़ा जे ये ही तुमर कौन हम धन को सुरक्षा दब तेणु दृष्ट बुद्धि वर्तमान पूरा स्थिर हो गले जे जेती योजना करारी पार तेणु दृष्ट बुद्धि कौन कले ना वर्तमान तो उपाय ना बर्तमान तो ज्वई हो गल ना आ ज्वई पुत्र समा शास्त्र जामा ताको पुत्र बोली कहा जाए से कि शास्त्र कहुई जामाता केवेले शशुर पाद छुईवा कथा नुह शास्त्र आजिकल किए कि प्रणाम करुँचे कि प्रकृत जामाता के शशुर पाद छुईवा कथा नुह कारण जहाँ को आम देचे ना कन्या को प्रणाम ग्रहण करने कथा तेणु बर्तमान कौन कले इच्छा नथिले भी स्वागत करिया को बाध्य हले किए दृष्ट बुद्धि देखन केमदि विधिर विधान आ वर्तमान कौन ना राज्य समृद्धि हवा को लागला चतुर्दिगर कौन है ना सबुआड़े चंद्रहास जश कीर्ति व्याप्त हवा को लागला तेणु से समय रे दिने चंद्रहास कौन कर बस दृष्ट बुद्धि से गोटे बहुत सुंदर योजना कले
ଏବଂ ଏକାନ୍ତରେ ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା କେବଳ ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ସେ ନୀତି ନା କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କଲେ ସେଇ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେଉଁ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରହାସକୁ ଶିଶୁବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସମାନ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତା'ର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ପଇସା ଦେଉଛି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପୁରା ମାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଯୋଜନା କାଲି ସକାଳେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଯିଏ କ'ଣ ଫୁଲମାଳ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ କଥା କ'ଣ ହେଲା ପୁରା ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା ଚୋରମାନେ ଭୟ ଜୀବନକୁ ଭୟ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ପିଲାଦିନୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ୟା ନିକଟରେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜା ହେବାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣମାନ ଅଛି ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ରାଜା କ'ଣ କଲା ନା ତା'ର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମଦନକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କୁ ଏଠି ନେଇ ଆସ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମଦନ କ'ଣ କରିଛି ରାତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋର ବ୍ରହ୍ମବେଳାରୁ ଆସିକି ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଏମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ପା ଏମିତି ଆଜି ମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅମ୍ବିକା ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେବାର ଅଛି ସେ କହିଲେ ସେଇ ଫୁଲମାଳଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କିଏ ଦେବ ମଦନ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତୁମେ ଯାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରାଜା ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଗଲେ କେଉଁଠିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କିଏ ନା ମଦନକୁ। ତେଣୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟର ଭାର ଅର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜସିଂହାସନ ବା ଏଇ ବ୍ୟାସାସନଟା କେବେ ଖାଲି ରହେନି ୟା ଉପରେ ଜଣେ ବସିବା ଦରକାର। ଆମର ବି ସାଧୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରଗଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବସିଲା ପରେ ଯାଇକି ସଂସ୍କାର ହେବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବସିନି ତା ଉପରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସଂସ୍କାର ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ପବ୍ଲିକଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଆ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜା ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ସ୍ୱାଗତ ହେବ ବେରି ତୁରି ବାଜିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ରାଜା ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କାମ କରୁନୁ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହୋଇକି ଆସିଲି ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ଯାଇଛି ନା ମଦନ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ବିବେକ କାମ କଲାନି। ତେଣୁ ସେ ପାଗଳ ଭଳି ନିଜ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ମଦନର ବେକ ଶରୀର ଅଲଗା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବି କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁର ଜୀବନଟା କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରହାସ କ'ଣ କଲେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ସେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହଁ ଯେ ହେ ଦେବୀ ଆପଣ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ କରିଥିବି ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଅମ୍ବିକା ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ମୃତ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ିଥିଲେ କିଏ ମଦନ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଜୀବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିଙ୍କର କେମିତି ଭାବନାଟା କେମିତି ହେଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଜୀବନରେ ତିନି ଥର ମାରିବାର ମୁଁ ଯୋଜନା କଲି, ଶିଶୁବେଳେ ଡକାୟତ ପଠାଇଲି, ତାପରେ ପୁନଃ କ'ଣ କଲି, ମାରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଦେଇକି ବିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲି, ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ବେକ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି, ଆଜି ସିଏ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କଲେ ନା, ଲିଟରାଲି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱଇଁ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ସେ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଜୀବନରେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଧରିଛ ଯେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କିମ୍ ଦୁସ୍ତେଜ୍ୟ ହରିଭକ୍ତାନାମ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ସହିବା କଷ୍ଟକର, କ'ଣ ସେ ନ ସହିପାରେ, ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି କୁହାହେଇଛି, କ'ଣ ନ ସହିଲେ ସେମାନେ, ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଡିଭୋସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଜେସ୍, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖାନ୍ତି ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିବ ସେ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖେଇବ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କରେ, ଜୀବନରେ ଭୟଙ୍କର ପାପ କାମ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରେ ଯିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ରିଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଅର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବି ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଏଥିରୁ ଜିତିବା। ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ବିବେକ ଆଉ କାମ କରେନି, ରସଗୋଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମର ଶିଲ ଗୌରମ ସିଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଧାନ ବସ୍ତା ଅଛି, ପକ୍ଷୀ ଆସିବ ତା'ର କୁମ୍ପିକି ପଳେଇବ, ଗାଈ ଆସିବ ତା'ର ଖାଇକି ପଳେଇବ, ମଣିଷ ସିଧା ଆସିବ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିବ ଚାଲିବ, ତା'ର ଲୋଭର ସୀମାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ଆସିଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିପାରେନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତା'ର ବିବେକ କାମ କରେନି। ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ ମାନେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କୃପା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଇ ଲୋଭ ଭୟରୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ସଂସାରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଆଡ଼ୁ କହି ପାରୁ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ, ଆମେ କାହିଁ ଏକୁଟିଆ, ଆମର କେତେ ବଡ଼ ପରିବାର, ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଅଛି ଆମର, ଆମେ କାହିଁ ଏକୁଟିଆ ହେଉ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯାହାର ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା। ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ, ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା, ଏକା ହୋଇ କେହି ଯିବେନି ସାଥିରେ, ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ଭାବୁଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପରିବାର, ଆମେ ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛି, ବୁଝେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଆସିଲା, ପିତା ବି ପୁତ୍ରକୁ ପାଖକୁ ଯିବନି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବନି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକୁଟି, ଆମ ସହିତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମନକୁ ଗୋଟେ ବୁଝା ହେଇଗଲା ଯେ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ। କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଯେନ କାଷ୍ଠକୁଟା ଭାସିଯାଏ, ବନ୍ୟା ଆସିଛି ବହୁ କାଠକୁଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାସିଯାଉଛି, ଆମେ ସେମିତି ସଂସାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ପରିବାର ବୋଲିକି ନିଜକୁ ଇଏ କରି ଭାସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଉଛେ ଜୀବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଏକୁଟିଆ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଁ କହିଥିଲି, କ'ଣ ପ୍ରଥମାଞ୍ଜଳି କିଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ରାମଜୀ ଶ୍ରୀଜୀ ଏମିତି ହାତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ହାତ ଦେଖାନ୍ତି କହିଲ, ରାମଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଯଦି ଜଣେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ଅଲମିତି ସଂସ୍କୃତରେ ରାମଜୀ କୁହନ୍ତି, ଅଲମିତି ମାନେ ବାସ୍ ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ନା ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲି, ଆଉ କିଛି କରଣୀ ନହେଲେ ମୋତେ ଆହୁରି କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅଜ୍ଞ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ବିଭୀଷଣ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣୀ ବିରାମ ନେବ, ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇକି ଶୁଣିବ। ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରୀଲ ରାଧାନ ସିଂ ଗୁରୁଦେବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ। ଆଉ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଏଇ ଶରଣାଗତିକୁ ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଯାଏ,
ताले से निश्चित भगवधाम भगवधाम को प्राप्त कर जीव। विभीषण जो जाती भगवान पाखक बहुत सुंदर सुंदर आम आम श्री गौरव स्वयं गुरुदेव या प्रस्तुत करें सब आचार्य मान भाव को शुणा कारण आम जीवन तो तांकर जहाँ कहते जोटा को तांकर चर्बित जिनस को आम चर्वण कर जीवन। विभीषण जो जाइए किसी नहीं कि जाइना श्रील गौरव स्वयं गुरुदेव कहते अरे समुद्र पार ही आसल समुद्र जल टिके नहीं भी जाई पारे कि ना लुणिया जल हो भगवान तो कही पत्रम पुष्पम फलम तोयम तोयम कही अरे जल टिके भी नहीं कि जावा कथा कि ना भगवान को आ चारिटा स्थान को केवे रिक्त हस्त जावा कथा नुहे ता गोटे हूँ भगवान पाक खाली हाथ में केवे कथ नुए किसी ना कि नहीं कि जावा कथा। तेणु विभीषण जो जाती संवाद जो रामजी दूत मानने रामजी प्राप्त होती रामजी रामजी गोटे इमरजेन्सी सभा डकईन गुरुत्वपूर्ण सभा डकईन एवं से सभार रामजी पचारुंट कौन देख भगवान स्वराट पुरुष निरंकुश इच्छा मुआ पुरुष से जहाँ से जहाँ कहे कहीं से कथा काटिपारे कि रामजी मर्यादा पुरुषोत्तम रामजी मर्यादा देखा भगवान समस्त को पचारुं जे आम कौन करवा दरकार। तेणु प्रथम सुग्रीव उत्तर दौरान जे विभीषण को वर्तमान कौन शरण तो देवा कथा नुहे एरिया भी ये आम क्या भितर भी पूरेवा कथा नुहे कहीं पूरेवा कथा नुहे से गोटे बहुत सुंदर जुक्ति दे कहते असुर मैंने बड़ मायावी तेणु सी वर्तमान क्या भितर पशिजे आमर तो छोटिया क्या आम सब रहस्य को सी जाणीजे गोटे दिन भितर युद्ध आमको परास्त करी आमको मानने हतोत्साह आम फेर पड़े। तेणु जी गुप्तचर ताकू के कौन करवा कथा पाखे पूरेवा कथा लक्ष्मण पचे लक्ष्मण मना समस्ते मना किंतु से सभा भितर जणीए नीरव थे किए जानते हनुमान जी। तेणु सभा शेषे रामजी दृष्टि पड़ला हनुमान को हनुमान तुमर कौन मत तेणु हनुमान जी कहले समस्ते बस आम समस्ते आसचे आम समस्त भगवान कौन कर अणुस्वाधीनता दे गोटे जिनसरु आध्यात्मिक जीवन जड़े सफलतार शीर्षक पहुँचे गोटे परीक्षार जड़े कौन हुए जीवन से मानने तलितलांत तो। हनुमान जी को जितने पचरा हनुमान जी कहले प्रभु जी शरण आपणकर गोटे ना हूँ शरणागत वत्सल प्रभु जी शरण से आते भी खराब होता कहीं त्याग करने कथा नुहे प्रभु आपण करुणामय ना बहुत गोटे सुंदर प्रसंग अच्छी मो हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रसंगटे बहुत आनंद लगे आ विशेषकर माँ मान रामजी जिते बड़े शास्त्र वर्णना अच्छे आम तो जानू आपण मैंने अनुभव थी आपण मान शास्त्र वर्णना अच्छे जो मैंने वैदिक रीति से बहुत करती हाँ पति कौन करे ना चतुर्थी दिन प्रथम तार मुह देखे आते तो किसी ना कि भेटी देवाक पड़े आपण मैंने जीवन अनुभव थे किसी ना कि भेटी दे प्रथम दिन किंतु रामजी कौन करते कि भेटी दे नरे राजा ना चक्रवर्ती सम्राट किसी भी वस्तु दे पारिता रामजी एत सुंदर से आध्यात्मिक जीवन नियम को शुणत कारण मन रखती आम जीवन में गोटे भूल हुए मुझे सब वे कहे मोर पे आम सब भौतिक बुद्धि को आध्यात्मिक जगत में लगो से जो मैंने भौतिक बुद्धि व्यवहार करते आध्यात्मिक जीवन में से मैंने कौन करते शीर्षक को मैं सफलता पाई कारण इठिकार विज्ञान इठिकार पाठपढ़ाटा पूरा अलग भगवान विद्यालय आम गोटे ओडिया भजन अच्छे मुझे बहुत छोटे बेले शुणी आस आस भाई गोरा कलेज पढ़ा पाठ पश्चिम ओडिशार भजन आ से विद्यालय टीचर किए ना गुरु होंगे नित्यानंद से विद्यालय प्रिंसिपाल किए ना महाप्रभु गोरा कलेज पढ़ा पाठ मुझे शुणी मोर जी गुरु मुझे पचार मुझे कॉलेज रे पढ़ापाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन क्वालिफिकेशन कौन ना श्रद्धा हूँ ये विद्यालय पढ़ी छात्र हूँ प्रथम कौन हो संपत्ति जार श्रद्धा केते दिन पढ़िया पड़े से गुरु मत कहते जी स्कूल एडमिशन निए सी आउ तार पाठपढ़ा सरे हाँ से जीवन सारा से विद्यालय विद्यार्थी होके जाए से लगे महाप्रभु लिखले विद्यावधु जीवन हाँ बधुर कौन सब तार मथार लुगा था बहुर मन में सब भय थाए मत किए कौन शाशु कौन कहे शशुर कौन कहे बहुर मुंड लुगा उठीगल ना आम ओडिया सब बहुत पद अच्छे भारी खराब हम तापर परिस्थित तेणु मोर कह कथा हूँ जे मुझे आपण मान को जे आध्यात्मिक जीवन रियमटा हूँ अलग
तेणु एटी कौन करा जाए विभीषण जो जाती किसी भी नहीं कि जाना हाँ मुझी रामजी बह कर प्रथम सीतादेवी को देखी रात से सीतादेवी गोटे उपहार दौर कौन से उपहार से कहते हे विदेहराज नंदिनी ये राजवंशर गोटे कलंक अच्छी जोड़ा मत जमा भल लगे आईटा कौन जान देवी राजा मैंने बहु पत्नी कौन करते बह कर गोटे नारी जिते शुणी तार स्वामी आउ क्या बह कर मन में के कष्ट तेणु आज प्रथम दर्शन में मुझ तुमको उपहार दूची मु तुम छड़ा जीवन में आक बह कर मो हिसाब से गोटे नारी याठ बड़ उपहार आई न पाए जे तार स्वामी ता छड़ा आक भल न पाए हाँ रामजी ये उपहार श्रीजी को देते हाँ श्रीजी भी देखते भगवान केमती आम यू बुझीपर जे आम जदि प्रभु सेवक आम केमती भेटी नहीं जावा दरकार भगवान पर श्रीजी भी भगवान को गोटे उपहार दे कौन उपहार से बहुत सुंदर गोस्वामीजी से लगे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन पदरे से शब्दटा को लिखिं श्रीजी भगवान को गोटे ना दे नाटा कौन करुणा निधान करुणार संपत्ति निधि मान संपत्ति करुणा निधान जहाँ हृदयटा कौथे गढ़ा कृपारे गढ़ा प्रभु मूरती कृपामयी है गोस्वामीजी लिखिले आई कथा किए जानी हनुमान जी जानी श्रीजी भगवान को ये नाटा दे करुणा निधान तेणु आज जो रामजी पचारे विभीषण सहित कौन करा दरकार केवल से सभार जनीय हनुमान जी कहले विभीषण को कौन करा दरकार शरण नवा शरण दवा दरकार सन्मुख होई जीव जब मोहई जन्म कोटि अघ नाश हूँ तब ही भगवान को आगे थरे जी जाए छिड़ा ही गला तार कोटि जन्मर पाप को भगवान तत्क्षणात क्षमा कर दिय भगवान हृदय को जानतु आध्यात्मिक जीवन केते सरल केते सुगम आज पर्यंत आम जापारे आम प्रभु तेणु विभीषण जा विभीषण केम जा ना विभीषण हाथ जोड़े जा हाथ जोड़ी से ढड़ा वर्तमान सुधा निष्पत्ति आसन आ रामजी कौन कले ना निष्पत्ति मुझे शरण ने तेणु यह शुणिकी सुग्रीव बहुत जोर से रागिगल कारण मुझे आगुरी भी बहुत थर नवेदन करग्रीव सब भावती कौन ना राम आमान राम भी राजा मुझा तर पत्नी ना मोर भी पत्नी आम जेन भावे भगवान कौन बड़ आम भी भगवान भगवान भी भोग कर आम भी भोग करा दरकार जीवर सब वेटा भूल कि भक्त भक्त के कथा भावे भक्त जाने भगवान कौन कर तेणु रामजी कहते जे बहुत प्रसिद्ध श्लोक आपस्ते जानते सकृत प्रपन्न तवास्मृति च याचते अभयम सर्वभूतानाम ददामीति व्रतम मम थे जदि मो आगे आस किए कहीदे हे प्रभु मुपणकर आम मन पाखे समय ना आज तो कहीदे दरकार यही सभा भितर जे हे कृष्ण तवास्मी आपण मैंने समस्ते कहते हे कृष्ण तवास्मी हे श्री राम तवास्मी हे प्रभु मुपणकर तेणु थे जदि जीवन में किए बाणी मात्र कहीदेगी भगवान कहते जमी आम व्रत जमी आम एकादशी व्रत कर जन्माष्टमी व्रत करें के संकल्प मैंने बहुत सावधान रोचे जमती का दिन टी का अपराध न हो केमती मु निष्कपट भाव में कौन सी आशा न रखिक भगवान को सेवा करी खुशी करी भगवान आम जमती व्रत बेले सतर्क हो जाऊे भगवान भाव जो सतर्क हे से केमती मान तर बाणी को निर्वाह करी तेणु विभीषण जो जाते हाथ जोड़ी जा हाँ भगवान कहते जी मो आगे हाथ जोड़ी जाए मुझे बिक्री हो जाए हाँ से आम जो पूजारी सेवा करूँ आमर बहुत प्रकार मुद्रा देखा जाए भगवान का आगे पूजा समय बहुत प्रकार मुद्रार व्यवहार करा जाए किंतु नारद भक्ति सूत्र सूत्र वर्णना करा जाए विशेषकर जिते मुद्रार व्यवहार करा जाए जहाँ मोर क्षुद्र भितर यूमंडल सबुठ बेसी मानने जहाँ कहते वैदिक और तांत्रिक भितर जो उपासना हुए से हूँ आम जगन्नाथ एभली उपासना ये विश्व इतिहास रे कोटी होउनी आज समय बा केबे हेइनी होउनी बा केबे हबन
କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏ ତ୍ରିଭୁବନର ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିକି ନୀଳାଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଶିଖାଇଲେ, ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ମୁଦ୍ରା ଦେଖା ହେବ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ପୁରୀ ସେବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯାଉଥିବେ, ଅଞ୍ଜଳିବଦ୍ଧ ମୁଦ୍ରା, ଆଉ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ ସେଇଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଲେ, ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଥିରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେ ଆମର କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆସୁ, ଡିଭୋସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ ଭଳି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସପିଂ ମଲ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ବହୁତ ଚଏସ୍ ଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅପସନ୍ ଥିବ, ପ୍ଲେନ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ର ବହୁତ, ମାନେ ଯଦି ସଲ୍ଟି ବିସ୍କୁଟ୍ର ବି ବହୁତ ଅପସନ୍ ଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ବି ଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଯାଇ କିଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅପସନ୍। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କାହାକୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ପ୍ରସାଦ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହାକୁ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନି କି ପ୍ରସାଦ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହାକୁ କିଛି ଭଲ ନ ତ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସେ ତା ସହିତ କଥା, ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅପସନ୍ସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମଟା ନା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଆମର କୃଷ୍ଣ ଯିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଲ୍ଟର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁ ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ମେଳରେ ପଚାରେ ତୁମେ କାହା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କେମିତି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇନେ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି। ମୁଁ ପଚାରେ ଆଜି କେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ କହିବେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା, ତା ଭିତରେ ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା। କୃଷ୍ଣ ସେଇଭଳି ଯିଏ କହେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, କୃଷ୍ଣ କହେ ଯା ତୁ ସବୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଐକାନ୍ତିକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଭାଗବତ ଐକାନ୍ତିକତା ଚାହେଁ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଠି କୃଷ୍ଣ, ଆମର କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁ ପୁରା 100% ତାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତା ଭିତରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ରାମଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଜୀ କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ିନଥିଲେ, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ 4 ଦୂତ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ରାମଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ପାଦ ବି ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଗଲେ ଆପଣ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କର ଏଇ ବୃହସ୍ପତିବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମାନେ ଦେଖିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଡ଼କୁ ବି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଜୀବନରେ ହେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଗତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଚରିତ୍ରଟା କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା କିଏ, ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଏ ଚରିତ୍ରଟା ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କର ଚରିତ୍ର କୁହା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବିଭୀଷଣଙ୍କର କଥା କୁହାହେଲାଣି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ କି, ହଁ କ'ଣ କରିବା ଜୀବନରେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯୁଦ୍ଧରେ 2 ଭାଗ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମାନେ ବାହ୍ୟ ତରଫରେ ଆମେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ, କେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱର ମାରୁଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ। ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କ'ଣ, ମନରେ ଭୟ ଥିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆସିକି ବାଣ ମୋତେ ଆଘାତ କରିପାରେ। ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭୟ କରୁଛେ, ଆମେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିବ ଆପଣ ସୁନା କିଣିକି ଆଣି ରଖିବେ ପିନ୍ଧିପାରିବେନି, ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ ଚୋର ଆସିକି ଭୟ କରିବ, ବା ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ମାଗିବେ, ଭାଇ ନିଜେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ହାର ପିନ୍ଧୁଛୁ ଭାଇ, ବା ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପଇସା, ଲୋକ ମାଗିକି ନେଇଯିବାର ଭୟ, ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ଭୟ ଥାଏ।
ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାଣ କାଢ଼ିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା କିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ନାରଦ ମୁନି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ମୁନି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଚରିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଆମକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଜୋନିରେ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ହାତୀ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଇଗଲା କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ତା'ର କେବେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏତେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ତା କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ ହବ? ମଣିଷ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ମରିଯିବି ନ ଖାଇଲି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ସମାଜର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କ'ଣ ଅଛି? ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆଶା, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରିବେ ବଳବନ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଜିର ହେଉଛି ମାନେ ସାର, ଯେଉଁଟାକି ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହନୁମାନଙ୍କର, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଜାଗାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହେଲେ ପାଇଲେ, କାରଣ ହନୁମାନଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ରାବଣର ସଭା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ରାବଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଯିଏ ସମାଜରେ ସେହି ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲା ତାକୁ ମୂର୍ଖ କହିବାର ସାହସ କେବଳ ଜଣେ କରିଥିଲେ, ସିଏ କିଏ? ହନୁମାନ। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲାପରେ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେମାନେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି କଲେଜ ଆମର ବେସ୍ରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ନଜାଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତିଲକ କରୁନେ ବା ଆମେ କାହାକୁ କହୁନେ ଓପନ୍ଲି, ଆମେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ। ବିଭୀଷଣ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ସୀତାରାମ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାକୁ ଲଙ୍କାରେ କହୁନଥିଲେ ତୁମେ ସୀତାରାମକୁ ଭକ୍ତି କର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହନୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କେତେ ସେଇଟା ସେ ଅନୁଭୂତ କରିଗଲେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ବିଭୀଷଣ କେବଳ ସେତିକି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାମଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଭୀଷଣ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଦା ନେଇକି ରାବଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଆରେ ଜାଣିଛ ନା, ରାବଣ ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଭାବେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାଆ ଯଶୋଦା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଏ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଭକ୍ତକୁ କ'ଣ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଆଶା କରିବାର ଅଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିବା ଦରକାର। ଏ ସଂସାର ଆମକୁ କେହି ଦେଇପାରିବେନି, ଦାତା ଏକ ରାମ ଭିକାରୀ ସାରି ଦୁନିଆ, ଭିକାରୀଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବ ତୁମକୁ, ସେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ତୁମକୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଆଶା କେବେ ମେଣ୍ଟିନି, ଭଗବାନ ଦେବେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆଶାତୀତ ବସ୍ତୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କଲେ ନା ହାତ ଆଉ ପାଦ ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଋଷିକେଶ। ଆମେ ସଂସାର ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଛେ, ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ଭକ୍ତଗଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସିନା ଆସିଛେ, ଆମର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାହିଁ କହିଲେ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ କହୁଥିବେ ଜପ କରିବାକୁ, ଆପଣ ମନ କହିବ ନା ତୁ ଯାଇ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଯା, ନହେଲେ ଗୁପଚୁପ ସରିଯିବ ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ମିଳିବ, ତୁ ଆଜି ଯାଇ ଗୁପଚୁପ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେବନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର କରି। ମନ ଆପଣ କହୁଥିବ ଆଜି ଏକାଦଶୀଟା ଜପ କରିବି, ସେ କହୁଥିବ ମୋବାଇଲ ମେସେଜ ଚେକ୍ କରିଦେ, ଘରୁ ମେସେଜ ଆସିଛି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କ'ଣ ହବ ନହେଲେ ପଛରେ ସୋଦା ଶୁଣି, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଆମ ନିଜର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ କଥା ମାନୁନା। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ରୂପକରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଜିତିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ନା କ'ଣ କହିଥିଲେ?
ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ପଚାରିଲେ ତୁମର ପିତା କିଏ ତୁମର ମାତା କିଏ, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା'। ସଂସାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରରେ ଆମମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆସିଛେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛେ। କିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସଟା ଯେତେ ବଡ଼ ନା, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଉପରେ, ମହାଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଟୀକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସଟା ଯେତେ ଅଧିକ ନା, ତା ଜୀବନରେ ସେତେ ଚମତ୍କାର ସଂଘଟିତ ହୁଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କାହା ଉପରେ କରୁଛେ, ଆମ ନିଜ ଉପରେ। ମୁଁ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ମନେ ରଖିପାରିବି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏଇଟା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଶ୍ରେୟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟି